आप सबसे पहले एक बात बताओ, ये जोगी जी के खरीदे हुए मीडिया हो या आप मोदी जी के, आपको क्या लगता है? आपको चौड़े मैदान में जाकर के आपको सबसे डिबेट करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए, किसी के ऑफिस में आके करना चाहिए? यहाँ पे हमने देखिए, आप देख सकते हैं, सब लोगों को देख सकते हैं, लेकिन है तो किसी का ऑफिस। अच्छा, एक चीज, एक मिनट, आप हाँ, मोदी जी ने क्या किया है? एक मिनट, मोदी जी के आदमियों ने क्या किया है? आपने एक आरोप लगाया मेरे ऊपर, उसका मैं जवाब देता हूँ कि मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ। मैं आपके पास गया था, आपको बुलाने नहीं गया? नहीं, यहाँ के लिए नहीं, आप वहाँ चौड़े मैदान में, आप मैदान में, आपने क्या कहा था कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा बातचीत? नहीं, मैंने ये कहा कि ठीक है जी, ठीक है जी, आ रहा हूँ। आप ये कहते हैं कि आप वहाँ ना करके आप इधर आ जाइए और मैं मना करता तो आप कहते मैं यहाँ पे आया ऑफिस के पास और मैंने आपको ही नहीं, उस तरफ भी गया, इस तरफ भी गया, हर तरफ गया, आप लोग आते ही नहीं है बात करने के लिए। मोदी जी क्या फिर आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर? अब आप रखिए अपनी बात। ये जो पाइपलाइन की बात जो हो रही है कि ये पाइपलाइन जा रही है, ये आपको भी मालूम है कि सारे पाइपलाइन जहाँ जहाँ भी लगे हैं पूरे प्रदेश में सारे रिजेक्ट है। इस पाइपलाइन से कोई पानी पी नहीं सकता, ऐसा पाइप लगा हुआ है, मालूम है आपको। दूसरी बात, ये लोग इतने धर्मात्मा लोग हैं कि यहाँ बोरिंग गड़ी हुई थी सार्वजनिक पानी पीने के लिए, ठीक है, ये बोरिंग उखड़ के, बिल तो इसका पास हो गया, ये तो पैसे इनके जेब में चले गए, ये बोरिंग उखड़ के चला गया, कहाँ गया कोई पता नहीं, दूसरे और दूसरे जगह बोरिंग पास हो करके दूसरे जगह लगा, इस बोरिंग का कोई था है पता नहीं। सबके नल में, सबके घर में पानी जा रहा है, सबको लेटिंग बन गया। ये बंदा ये खड़ा है, ये देखिए लेंटर, जिसका लेंटर है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, लेंटर टूट के मिला, और ये इसका चद्दर है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक चीज बताओ कि सरकार सबके लिए होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए। प्रधानमंत्री तो एक के लिए होता नहीं, चाहे मैं आपको समर्थन किया तो भी मेरा प्रधानमंत्री हो, नहीं किया तो भी मेरा प्रधानमंत्री हो, आप मानते हो? आप यहाँ चल के देखिए, मान लीजिए कि पानी का नाले का बहाव वहाँ तक है, ऐसे है, ऐसे ढाल इधर को पानी जा रहा है, यहाँ एक फीट गहरा नाली है, वहाँ आप एक फीट ऊंचा कर दोगे, इसका पानी कहाँ जाएगा? यहीं रह जाएगा ना, ये इन लोगों की मेहरबानी है। कहते हैं विपक्षियों को सरा दो, विपक्षी क्या इस भारत के वासी हैं? हमको जीने का अधिकार नहीं है? अरे कल आज आप हो तो कल हम भी रहेंगे, रहेंगे, ये दावा है। तो काम काज हुआ है यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो है। वो 3 किलो राशन दे दिया तीन महीने से, इधर देखिए आपको प्रूफ देता हूँ अभी, चलिए मेरे साथ सुनिए। 3 महीने से स्कूल बंद है, सरकारी मास्टर जा रहे हैं जोगी और मोदी जी के कर्मचारी बन के ड्यूटी करने के लिए, यहाँ एक भी बच्चे बेरोजगार, एक भी बच्चे की पढ़ाई नहीं होता, यहाँ 4 साल हो गया सफाई कर्मचारी नहीं है स्कूल में। सफाई कर्मचारी के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया, कहिए मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ वो एप्लीकेशन। आपकी बातों पर हमें यकीन है, आप बताते रहिए जो जो कमियाँ हैं। तो ये सब क्या है? आपने 2 किलो राशन और सरकार ने नहीं दिया, ये तो आफत आया, ऐसा जो है आफत आ गया तो ये राशन दे दिए कि चलो सारे बेरोजगार है। राशन पूरा मिलता है? नहीं, राशन 3 किलो एक आदमी पर, और जो पैसे वाली मिलता था उसमें 5 किलो राशन। क्या मिलता? चावल गेहूं बस, और बाकी सारी चीजें। वो कभी मिल गया, एक बार मिल गया, मिल गया, वो भी चना कोई खा नहीं सकता। यहाँ ऐसे है कि जो जितने भी मकान पास हुए हैं उसमें 50,000 रुपया लोग घुस लिए हैं, बीजेपी वाले सब ऑफिस में बुला बुला करके लिए, तब ये जो पास हुआ है, और जिसका लिए भी तो उसको पास नहीं हुआ, 50,000 रुपए लिए। आज ये ऑफिसर आ करके लिए हैं, ये कोई खुला चोरी नहीं है, खुला है। ये सरकारी कर्मचारी आए, उन्होंने लिया? सरकारी कर्मचारी भी आए, यहाँ के भी प्रधान जो यहाँ के
बनते हैं अपने को, हम सब कुछ है, हम मुखिया हैं, मालिक हैं, सबका कारनामा है, ये खुली बात है, ये कोई चोरी नहीं है। मतलब मिली जुली तरीके से सबने लिया, यही बंदा है, पूछ लो आप सामने में है। तो ये चीज जो है, जो चीज है दरअसल जो सार्वजनिक सुखाए हो, सुनो भाई, जो सार्वजनिक सुख हो, किसी एक आदमी के सुख से आप सुख खुद को सुखी हो जाओ तो इससे क्या होगा, दुनिया तो सुखी होगा जी। जो है इनके मुताबिक यहाँ पर कुछ कामकाज नहीं हुआ है, जो परेशानियां है वो ऐसे ही जस की तस बरकरार है। इसके साथ ही साथ जी मैं आपके पास भी आऊंगा, इसके साथ ही अब मैं आपकी भी बात सुन लेता हूँ एक एक करके सभी की, क्योंकि जब दो चार लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आएगी। सुनिए, काम होता है, जो भी सरकार आएगी काम करेगी, बिना आए हुए चाहे किसी की भी, चाहे भाजपा चाहे हमारे से किसी की भी हो। रही बात विकास की, आप लोग बात करते हैं ना, तो हर एक साल चुनाव होना चाहिए। आप जगह जगह जाते हो, अभी आप बताओ कि अब से लेके महज जनवरी से लेके 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर तक कितना अनुदान हुआ है, कितने प्रोजेक्ट पास हुए, बताओ जरा। आप तो बहुत से जगह गए हो, तो कौन कौन सा अनुदान हो चुका, किन किन चीजों का उद्घाटन हो गया और उनकी प्रोजेक्ट कितनी थी, बताओ। तो हर जगह के अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बताते हैं, आप अपने क्षेत्र का बताइए। अपने क्षेत्र का ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं। मैं पीएम हमारे ही घर का नहीं है, एक पार्षद नहीं है, जो एक राज्य कॉलोनी वार्ड का होने का बात कर रहे से मुझे मतलब नहीं है, या जिला गाजियाबाद से मुझे मतलब नहीं है, योगी आदित्यनाथ को पूरे यूपी क्षेत्र से मतलब है, क्या समझे। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो जो उद्घाटन करने जाता है उनके क्षेत्र में, साहिबाबाद में काम हुआ या नहीं हुआ, मैंने क्या बोला आपको, काम तो हर एक में होता है, क्यों नहीं होगा। गोल मोल बातें, देखो देखो ये आप गोल मोल बातें कर रहे हैं, या तो काम देखो, क्या काम हुआ क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भी बताइए। मैं बताता हूँ आपको, जब यहाँ नलका लगा पानी वाला, पब्लिक के सामने लगा, उसके बाद ये कबाड़ लिया गया, ये कमी हमारी थी। लगाते वक्त हमने पूछा नहीं, अना कबाड़ने वक्त पूछा, लेकिन पैसे वालों को जेब में पैसा गया। ये पता है राज्य कॉलोनी में कि किसके वजह से क्यों उखाड़ा गया यहाँ, तो वही तो पानी साफ आता था, पानी चला ही कब है जो साफ आएगा कि गंदा आएगा, यूज ही कब हुआ है, कितने पानी पिया इसका बताओ। 10 HP का बोर, ये लोग ये तो सारे दिन पत्ती खेलते हैं ना, दुनिया के ये समाजवादी से हैं तो बोलेंगे योगी जी के खिलाफ, समाजवादी मजदूर सभा में अध्यक्ष रहे ना आप, यहाँ 10 HP का बोरिंग मैं करवाया था, समाजवादी हाँ 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 मतलब समाजवादी पार्टी के हाँ है समाज पहले बता जी बिल्कुल। और अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दो। आपने जो कही, जो यहाँ बोरिंग लगा हुआ था, बोरिंग मैंने 10 HP का करवाया था, उसमें हुआ क्या, 10 HP में 2 फेज का कनेक्शन नहीं चल सकता, 3 फेज का लगना था, तो वो 3 फेज का इतना दूर कनेक्शन था, वो बाई मिस्टेक वो जल निगम का था, जो जल जई का था, तो जल जई का जो था तो उसमें 17-18 लाख रुपए का आ रहा था विद्युत विभाग का खर्चा, जब वो कनेक्शन के लिए गए तो इसमें यहाँ कनेक्शन ये देख सकते हैं आप 2 फेज का है, 10 HP में 3 फेज का चाहिए था, तो उस ठेकेदार का बेचारे का नुकसान हुआ, जब यहाँ बोरिंग नहीं हुआ, जब विद्युत ने बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिए, जो भाई 10 लाख का तो बोरिंग हो रहा 10 HP का, और 17 लाख का हम विद्युत का इसका बिल दें, उसका एस्टिमेट जो बना था, तो उससे ऐसा जगह बोरिंग करा जाए जहाँ 3 फेज का कनेक्शन हो सके, तो वो वहाँ लगाया। और बात रही जहाँ तक बिल का, जो अपने जेब में चले गए, तो उन जाहिलों से गवारों से ये पूछा जाए, जो नगर निगम जो टेंडर खोलते हैं ना, निगम पार्षदों का 1 रुपये का तनख्वाह नहीं है, ये तो कहते हैं जो अखबार में पढ़ लिया, जो 1-1 करोड़ का बजट मिल गया जी पार्षदों को, तो ये सोचते हैं जो पार्षद के खाते में आ गए। इन जाहिलों को यही नहीं पता है, जो ये बात कर रहे हैं समाजवादी वाले या और पार्टी, जो ये कबाड़ में बेच के खा गए, ये योगी जी के सरकार है, संपत्ति भी कुर्क होते हैं, चाहे नेता हो या भी नेता हो या कोई बदमाश हो। दूसरी बात, पार्षद के अकाउंट में 1 रुपये नहीं आते, पार्षद सिर्फ काम लिख के देता है, पार्षद सिर्फ काम लिख के देता है, उसका जय एस्टिमेट बनाता है, ठेकेदार नगर निगम में जो रजिस्टर्ड है वो टेंडर लेते हैं, वो बोरिंग करते हैं, फिर वो चेक होते हैं, जब जाके उसका बिल पास होता है और निगम पेमेंट करते हैं, कोई पार्षद बिल पास नहीं करता। सुन सुनो 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 सुनो, और मैं निगम पार्षद के नाते, मेरा जो काम है नाली खरंजा लाइट, वही तो मैं करवाऊंगा, क्या इनके घर के आगे का नाली खरंजा नहीं बना, या इनके घर, मेरी बात सुनो, बना या नहीं बना,
बना या नहीं बना? वो बना जो मैं आपको कहा नहीं कि ये ठीक यहाँ यहाँ ये चीज भी क्लियर कर दीजिए। इनका कहना कि जैसे ढलान उधर को है तो यहाँ पे गहरा कर दिया नाली को और उधर ऊंचा कर दिया। सुनो 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 सुनो, मैं ठीक है, आप शांत रहो, मैं इसको करवा दूंगा। लेकिन आज तक सर रहा है सर, मैं आपको चल के दिखा दूंगा। और इन्होंने जो कमियां है उसका जवाब ये देंगे, अपने तो पूरे परिवार के जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करवा के ले पैसे ले करके अपने पूरे परिवार का छत पीटा हुआ तो जेल में पैसे डाल लिए। और ये इसको चद्दर है, आज भी इसको नहीं दिए। क्यों आरंभ भरा था मकान का? चलो जिसका भी था, सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ के भी आप फिर भी जाए। चलो चलो ठीक है। अब हम देखिए, 5 साल के कार्यकाल में हमारे योगी जी के 2 साल कोरोना में खत्म हो गए। कुछ चला था ऐसा और उसमें कुछ धांधली हुई थी, हमारे नंदकिशोर गुर्जर जी ने उसमें सीबीआई जांच बिठा दिए थे। 2 साल तो कोरोना में कोई कार्य हुआ नहीं। और नगर निगम का जो भी बजट आता है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो फर्स्ट बार काम हुआ इनके सरकार में। समाजवादी में पूछो ना, चलो हमारे सरकार में तो मिल भी रहे हैं, जिस भाई के एक आदमी का आवास का पैसा मिला क्या? इसके लिए इनसे जवाब नहीं, आप वो नाली वाला नाली भी बने। अब इनका क्या था जो चबूतरा नहीं तोड़े, वहाँ चिक 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 रोज ठेकेदार से, तो नाली इन्होंने अपना चबूतरा नहीं तोड़ने दिया। और जब तोड़ने नहीं दिया तो वहां तो जाम रहेगा। जो आदमी आज इनसे ये पूछिए, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे कोई भाई बता रहा था, मैंने हालांकि वो देखा नहीं, इनका एक पुत्र था वो भी खत्म हो गए। राशन तो फ्री ले रहे हैं, राशन पुत्र के नाम पे भी ले रहे हैं, पुत्र के नाम पे भी ले रहे जो खत्म हो गए। हाँ राशन तो आफत काल में ये 3 किलो राशन दे दिया, दूसरे लोगों को गुजारा चल गया। पैकेट रोज खाना बटवाए कोरोना काल में, मैं खुद पॉजिटिव हो गया था। यहाँ कैंप लगवाया 2000 पैकेट बातचीत कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी कैसा कैसा हुआ काम काज, राशन राशन सब कुछ मिला है? खरीजा बढ़िया लग गया हमारे, डाल नाली बढ़िया बना दी हमारे, आगे ठेर तक जो बात है मुंह पे कहती। और खाना, और खाना घर घर आया, झूठ कभी नहीं बोलती, नाम कर कर खाना घर घर बांटा मोती जी ने। और राशन भी दिया फ्री इसमें, इस सरकार में ज्यादा सुविधाएं मिली। हाँ ज्यादा सुविधाएं मिली हमें तो। और नाली बढ़िया बन गई हमारी। किसको जिताएंगे? अभी मोती को जिताएंगे। जी आप बताइए कैसा काम काज? हमारे लोग नाली बहुत खराब पड़ी है, सही नहीं बना है। ऐसे ही देखो माल कचरा फचरा वही भरे रहते हैं, सर टूट गए नाली ऐसे बना रखा, देखिए जाके देख के आइए। नाली की जिम्मेदारी तो पार्षद साहब देखते हैं। पार्षद तो कितनी मरतो, पार्षद तक है कुछ बोले पार्षद? क्या कहते हैं? बना दिया था ऐसे ही, हाँ फिर देखो ऐसे ही हो गया, ढाल है ही नहीं एकदम से, वही भरा रहता कचरा भरा रहे। मैं जवाब देता हूँ, अभी ये हमारे ऑफिस है, हमारे निगम पार्षद जी का, इनके ऑफिस पे ही डिबेट चल रही है। आप देखिए अभी से ही कमियों का पिंजरा कैसे खुलने लगा, इनके आसपास के ही लोग कमियां गिनाने लगे, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी पे ब्लेम जाता है या इनके कामों पे ब्लेम जाता है, आप बताओ। चलो यहाँ की जनता खड़ी है, जनता ने करा ना, भी भाई साहब भी बोले, अम्मा भी बोली, आंटी भी बोली, राशन पे भी बात हुई, नाली मोरियों पे भी बात हुई है, विकास पे भी बात हुई, नलकों पे भी बात हुई है, आपके सामने ही कमियों का पिंजरा खुला है। आपने दिल्ली स्टेट के अंदर, दिल्ली टॉप मॉडल के अंदर कहीं ये डिबेट करी है, ऐसे कहीं कमियां निकली हैं? कमियां हर जगह निकलती है, आप जिस जगह बताओगे परफेक्ट कमियां वहां निकलती हैं, कमियां निकलती हैं, लेकिन भी तो पालन करना। मैं बताता हूँ कमियां निकलती हैं, पर ऐसा नहीं कि मुंह के मुंह पे ही कमियों का पिंजरा खुलना शुरू हो जाए। हमारे निगम पार्षद जी खड़े हैं, अभी तत्कालीन निगम पार्षद हैं जी, पिंजरे में जाने आपकी मुझे पता है, इनकी जो पिंजरे में जान है वो ताहिर हुसैन, जो दिल्ली का जो नो दंगाई था, जिसे आज सरकार ने जेल में डाल के रखा हुआ है ना, जो दुनिया भर के बेगुनाहों की जान लेने वाला ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड, अतः क्या नाम है उसका, अंकित शर्मा मारा गया, अंकित नहीं अंकित शर्मा जो मार दिया इन लोगों ने,
उसके तो ये वो गिनवाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि विकास पर रहे, धर्म पर ना जाए, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा खिसता चला जाता है। और काम काज पर रहे तो ज्यादा बढ़िया। सुनिए मेरी बात, ये लोग कहते हैं हमने दिल्ली में घर घर में पानी पहुंचाया, आपने अभी जरा सी बारिश हुई आपने देखा अगर पूरी दिल्ली डूब गई थी, दिल्ली में बसें डूब रही थी, गाड़ियां डूब रही थी, तब ये लोग कहाँ थे? तब ये नहीं कह रहे थे कि हम घर घर पानी पहुंचा रहे हैं? और जिस मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते हैं, आप जा करके देखिए उस मोहल्ला क्लिनिक में, उस मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते जा करके सोते हैं, इंसान नहीं मिलते वहाँ, डॉक्टर नहीं मिलते वहाँ, मरीज नहीं मिलते वहाँ, जानवर मिलते हैं उनके अंदर बैठे हुए। ये उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सुनिए जी, और जिस केजरीवाल की अभी फीस होगी इन मोहतरमा हमारे भाई साहब, जिस केजरीवाल की ये बात कर रहे हैं, इन्हें भी खूब अच्छे से पता है केजरीवाल ने कितना काम किया है। दुनिया को झूठ बोल करके, अंधा हजारे को धोखा करके, एक धोखेबाज सरकार बना करके बैठे हुए हैं वो। और सुन लो, ऐसे धोखेबाज दुनिया को फरेब नहीं कर सकते, उनकी पोल पट्टी खुल गई है। और ये जहां तक भी विधानसभा साहिबाद में बात कर रहे हैं ना कि हमारी सीट खुलने वाली है, मैं चैलेंज करता हूं कि अपनी यहां से खाता खोल के दिखा दें। चलो ये भी बात, मैं चैलेंज करता हूं, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि भगवा के आगे ये लोग साफ हैं। देखो बीजेपी का एजेंडा जो है, मैं बीजेपी का जो एजेंडा वो सिर्फ क्या है, जातिवाद पे, हिंदूवाद मुस्लिमवाद, मैं बात करूंगा सिर्फ कामों पे। हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, जो सिर्फ काम पे वोट मांगते हैं, और इस बार तीन बार दिल्ली के अंदर वो सरकार बना चुके हैं, तीन बार ओनली सिर्फ काम पे, और वो बहुमत से सरकार बना चुके हैं। हम बिजली फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री दे रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, अब जो बाकी की वीडियो है आपको दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगी, और लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।